सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा फैसला, अब सीबीआई करेगी इस केस को इन्वेस्टिगेट। 10 पॉइंट में समझे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की इम्पोर्टेंस को, आइए जानते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत केस में फाइनली एक पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। इस केस को अब सीबीआई हैंडल करेगी और सच अब जल्दी बाहर आएगा। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सीबीआई इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पिता के सिंह की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर में सीबीआई को जांच कराने का अधिकार है। सीबीआई अब पूरे मामले की जांच करेगी। हैंडओवर टू सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई जांच में मुंबई पुलिस को सहयोग करना है। सभी दस्तावेज यानी केस डायरी समेत कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अब सीबीआई को सौंपे जाएंगे। मुंबई पुलिस मदद करेगी। कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। पटना पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की, जांच की, तो मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि सीबीआई जांच में महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करना होगा। सीबीआई विल हैंडल ऑल एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातें कही है। इनमें से एक है कि सुशांत केस में अब कोई भी एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। अभी तक इस मामले में सिर्फ एक एफआईआर पटना में दर्ज है जिसके आधार पर सीबीआई जांच हो रही है। नो परमिशन नीडेड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई को अपनी जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। वो जब चाहे और जिससे भी पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही सबूत इकट्ठा करने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। सीबीआई ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार ने की थी। इस पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जाएगा कि केस की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित है, न कि बिहार सरकार के। एफआईआर एंड सीबीआई रिक्वेस्ट स्टैंड्स करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सुशांत केस में बिहार सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज करना और मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश सही थी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। रियाज प्ली कैंसल्ड। सुशांत सिंह राजपूत के गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर अर्जी लगाई। उन्होंने मांग की थी कि मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंप दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उनकी अर्जी खारिज हो गई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस शुरू से ही सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को झटका दिया है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने ट्विटर पर लिखा, सत्यमेव जयते। सीबीआई टीम टू कम टू मुंबई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। अब केस की जांच मुंबई में की जाएगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से केस डायरी, सभी गवाहों और संदिग्धों के बयान, फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगेगी। सीबीआई क्राइम सीन को विजिट करेगी। फाइनली सुशांत सिंह राजपूत केस में आए इस इम्पोर्टेंट फैसले से आप कितने खुश हैं? आपकी राय हमें बताना बिल्कुल ना भूले। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।